friends, we are entering into the third phase of कोरोना epidemic. इस स्टेज में सबसे अधिक सतर्कता की आवश्यकता है क्योंकि यह कम्युनिटी अर्थात समुदाय को प्रभावित करेगा. सरकार के द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं. 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज, पब्लिक गैदरिंग्स, सिनेमा हॉल सभी जगहों पर इकट्ठा होने की पाबंदी लगाई गई है. लेकिन समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जिसकी याद शायद 8 सितंबर को जनरली आती है, जिनके लिए गीत तो बहुत बड़े बड़े गाए जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि वो पूरे समाज को शिक्षित करते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए जैसे बड़े बड़े विशेषणों से जिनको अलंकृत किया जाता है, उस दिन वो शिक्षक आज अपने अपने स्कूल्स में अटेंडेंस लगाने के लिए मजबूर हैं. जरा सोचिए, अगर इन शिक्षकों को किसी भी तरीके का संक्रमण हो गया तो जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन आएगा. मेरी भारत सरकार से, शिक्षा मंत्री से एवं सभी प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स से विनम्र निवेदन है कि टीचर्स भी समाज का ही हिस्सा होते हैं, उनको भी इस संक्रमण से बचाने की आवश्यकता है. सर्दी, गर्मी, बरसात से तो हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन यह महामारी शायद किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं करेगी. मेरा भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस अर्थात अप्रत्याशित परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए गर्मी की छुट्टियों की कटौती की जा सकती है, लेकिन देश भर के शिक्षकों की जिंदगी दांव पर नहीं लगाई जा सकती है. मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि शिक्षा के प्रति अपना लगाव समय समय पर प्रकट कर चुके हैं, वो इस शिक्षक की विनती को जरूर स्वीकार करेंगे. और एक बात और, 22 मार्च सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक का जो कर्फ्यू लगाया गया है जनता कर्फ्यू के नाम से, उसका एक महत्व है. इसके पीछे का कारण यह है कि कोरोना वायरस की जिंदगी लाइफ स्पैन जो है वो सिर्फ 12 घंटे की होती है, और 14 घंटे के लिए जब आप इसके संपर्क में नहीं आते या वो किसी के संपर्क में नहीं आता तो उसकी मौत अपने आप ही हो जाती है. तो आप अपने लिए, अपनों के लिए और उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, एक अच्छे नागरिक होने के कारण, मानवता के कारण, आप अपने अपने घरों में रहें और इस संक्रमण को रोकें और सुरक्षित रहें. धन्यवाद.